Hello people, welcome to Sleepy Classes. Today is 25th of October and we are going to start our prelim current affairs. In today's video, we will talk about Mission Parivar Vikas, National Green Tribunal, Seoul Peace Prize mila hai Modi ji ko, to uske baare mein janenge. And finally, we will see BS norms ke related. So, society ke point of view, we have first of all Mission Parivar Vikas, which aim hai to bring the total fertility rate to 2.1 by 2025. So, our ऑब्जेक्टिव था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में कि हम जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको 2.1 पर ले आएंगे एंड वी आर वर्किंग फॉर दैट एंड इसीलिए आया है मिशन परिवार विकास एंड इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है 146 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट्स में जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कलेक्टिवली 44% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन. इसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने दो कॉन्ट्रासेप्टिव्स निकाले हैं. एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो अंतरा प्रोग्राम के अंडर है एंड 3 मंथ तक उसकी इफेक्टिवनेस रहती है एंड दूसरा है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल छाया जो 1 वीक तक इफेक्टिव है. तो हरियाणा के मेवात रीजन में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुकी है एंड इसी कारण ये न्यूज़ में है. नेक्स्ट, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स. ये क्या है, एक एडहॉक बॉडी है कैबिनेट कमिटीज़ की तरह ही लेकिन उनसे थोड़ी डिफरेंट, विच लुक्स इन टू वेरियस इशूज़ एंड सब्जेक्ट्स. तो ये रिकमेंडेटरी भी हो सकती है इन नेचर एंड कुड इवन बी एम्पावर्ड कि वो अपने डिसीजन भी ले सके ऑन द बिहाफ ऑफ कैबिनेट. तो दोनों टाइप्स की होती हैं ये. एंड इसका फ़ायदा क्या है, इट इज़ वायबल एंड इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉर्डिनेशन. तो जो इंटर मिनिस्टीरियल कॉर्डिनेशन करनी है उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव एक टूल है आउटसाइड द कैबिनेट एंड रिसेंटली ही इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को टू लुक इनटू द सेक्सुअल हैरेसमेंट जो केसेस आ रहे हैं उनमें. नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. तो प्रगति मैदान की रीडेवलपमेंट के लिए ये उसके कोई फाइंडिंग्स आए हैं, डिसीजन आया है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का, तो उसी कारण ये न्यूज़ में है. एंड ये है क्या, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 2010 में बनाया गया था एंड ये बाउंड नहीं है बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. जैसे हमारे कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो भी सेशंस कोर्ट, तो इट इज़ नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड इवन इंडियन एविडेंस एक्ट के 1872 से भी ये बाउंड नहीं है. तो ये फैसले कैसे देती है, ऑन द लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड जो इसका प्रिंसिपल है दैट इज़ पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, उस पर रिलाई करती है ये. मोर ओवर एनवायरमेंट एंड वाटर एंड एयर से रिलेटेड जो भी हमारे एक्ट्स हैं वो सब इसके अंडर आते हैं, उन्हीं के बेसिस पर ये फैसले सुनाती है, जैसे इंक्लूडिंग द बायोडाइवर्सिटी एक्ट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो वो सब इसके अंडर आते हैं लेकिन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये दोनों इस एक्ट के अंडर नहीं आते. अगर आपको इन एक्ट्स के लिए कोई केस फाइल करना है तो यू हैव टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट. तो बट इट कवर्स इंडियन फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन एक्ट 1980. तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जो फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है वो इसके बाहर है लेकिन इंडियन फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन एक्ट 1980 दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इन द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. एंड जो इसके ऑर्डर्स होंगे इफ़ यू आर अनहैप्पी तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में विद इन 90 डेज. मोरोवर जो एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो भी अप्रोच कर सकते हैं NGT को एंड ये बेटी सी एलवेज वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा एंड अदर्स, तो उस केस में ये डिसीजन आया था. आगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है आज सियोल पीस प्राइस. ऑल्दो ये प्राइस जो है वो डायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है क्योंकि मोदी जी को मोदीनॉमिक्स के लिए मिला है तो दैट्स वाई वी कैटेगराइज इट है. तो ये है क्या, बेसिकली इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1990 में टू कमेमोरेट द सक्सेस ऑफ 24th ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन सियोल. तो 24th ओलंपिक गेम्स 1990 में हुए थे सियोल में, तो उनकी सक्सेस को कमेमोरेट करने के लिए इसका जो नाम है सियोल पीस प्राइज का उसको रखा गया इन 1992, इसको इस्टेब्लिश किया गया. एंड ये फीलिंग्स क्या व्यक्त करता है, इट क्रिस्टलाइजेस द कोरियन पीपल्स यर्निंग फॉर पीस इन द कोरियन पेनिनसुला. तो कोरियन पीपल दे वांटेड पीस इन द कोरियन पेनिनसुला, तो उसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए उन्होंने सियोल पीस प्राइज बना दिया. एंड इट इज़ अवॉर्डेड बाई एनली, तो दो सालों में एक बार दिया जाता है उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है टू द हार्मनी ऑफ मैनकाइंड एंड जिन्होंने रिकन्सिलिएशन कराई है बिटवीन नेशंस या वर्ल्ड पीस में उन्होंने जो कोई भागीदारी दिखाई है. एंड इस बार का जो प्राइज है वो कॉन्फर किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को उनकी रिकोगनीशन के लिए ऑफ़ इस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स. तो ग्लोबल एंड इंडियन इकोनॉमिक्स में जो मोदी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसी के बेसिस पर उनको कॉन्फर किया गया है ये प्राइज़. एंड
It is credited for Modinomics that reduced social and economic disparity between the rich and the poor. तो जो मोदी जी की economic policies थी I'm sorry, तो उनको उन्होंने social and economic जो disparity है between the rich and the poor उसको कम किया है, तो उसी के basis पर उनको ये price दिया गया है. आगे हमारे पास है FIDF, that is Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund, जिसको raise करेंगे nodal लोनिंग एंटिटीज NLEs. तो इसका मेंशन इस बार के बजट में भी था. बेसिकली फिशरीज एंड जो एक्वाकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं उनको इंक्रीज करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसकी चाहिए होगी, तो उसकी फंडिंग के लिए हेल्प करेगा. एंड नबार्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड जो सभी स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं वो सभी NLEs कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो सब हेल्प करेंगे जो ये डेवलपमेंट फंड है इसको रेज करने के लिए. एंड ये फंड क्या करेगा, कंसेशनल फाइनेंस प्रोवाइड करेगा टू स्टेट गवर्नमेंट यूटीज, स्टेट एंटिटीज, कॉपरेटिव्स, इंडिविजुअल्स एंड इवन एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो इन्वेस्टमेंट टेकअप कर सकें एक्टिविटी मतलब फिशरीज की डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए. नेक्स्ट इन द पॉइंट ऑफ एनवायरमेंट वी हैव भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किए थे ये BS नॉर्म्स to regulate output of air pollutants from internal combustion engines and spark ignition engines. तो spark ignition engine basically petrol engines होते हैं, ठीक है जी. तो उनके जो air जो exhaust है उसमें से जो pollutants निकल रहे हैं उनकी regulation के लिए ये भारत स्टेज norms हमने follow करना start किया from the year 2000. and इनके basis कहाँ पर है, euro norms में है, ठीक है जी. एंड जो स्टैंडर्ड्स है इंडिया के लिए वो सेट कौन करता है, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर. एंड प्रेजेंटली जो BS4 नॉर्म्स हैं वो एनफोर्स्ड हैं पूरे कंट्री में सिंस April 2017. एंड अडॉप्ट करने की बात हो रही है BS6 नॉर्म्स बाय 2020. एंड हमने बीच में जो BS5 नॉर्म्स थे उनको स्किप किया, ताकि हम जो एनवायरनमेंट के प्रति हमारी अवेयरनेस है उसको बढ़ा सकें एंड कंट्रीब्यूट कर पाएं अकॉर्डिंगली. तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने बोला है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को बोला है गवर्नमेंट ने कि वो पॉसिबिलिटी देखें कि BS6 फ्यूल्स जो हैं वो पूरे NCR रीजन में लागू किए जा सके फ्रॉम April 2019. तो मोस्ट प्रॉबेबली ये हो जाएगा. एंड जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कौन कौन से मॉनिटर किए जाते हैं BS नॉर्म्स के अंडर, वन इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अदर इज कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड पार्टिकुलेट मैटर एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. एंड ये जो चेंजेस है जो पोल्यूशन का लेवल कंट्रोल करना है उसके लिए जो इंजन है उनमें कुछ डिवाइसेस लगेंगी, तो वो आप खुद से सर्च कर लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं. So that is all for today guys, milte hain kal, bye bye.